This is how we party. हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही IPL 2020 का डेली अपडेट्स लाता रहता हूं। कुछ तो बहुत होंगे आप आज। क्यों? क्योंकि आपके मनपसंद विराट कोहली ने रन बना लिए और बैंगलोर को जीत तक पहुंचा दिया। खुद लेके गए जीत के चौखट तक, जैसे किसी कैप्टन को करना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग और मनोज तिवारी, आप देख रहे हैं माय लव सभी प्रेजेंट्स क्रिपर्स लाइव। सही बोला ना वीरू, चौखट, जीत की चौखट तक खुद लेके गए। जी हाँ, वो जो दरवाजा आता है उससे पहले आती है चौखट। चौखट तक लेके गए कोहली और दरवाजा खोला एबी डिविलियर्स ने। बिल्कुल, पर जो दरवाजा तोड़ा मनोज देवदत्त पडिक्कल ने, मजा आ गया उनका बैटिंग देख के। अभी तक चार मैचों में उन्होंने 3 अर्धशतक रन बनाए और आज बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने। और जिस तरह की शुरुआत चाहिए था आरसीबी को, एक मोमेंटम चाहिए था, फाउंडेशन चाहिए था, उन्होंने दिया। उनके साथ एरन फिंच उतरे थे, सबको यही लग रहा था कि एरन फिंच अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, बहुत सारे मैचेस खेल के बैठे हुए हैं, वो इनिशिएटिव लेंगे। लेकिन उनको पूरा लेट डाउन, मतलब लेट डाउन नहीं बोलूं, उनके शैडो में वो खेल गए वहां से पडिक्कल। मजा आ गया देख के। और जिस तरह के शॉट्स उन्होंने खेले हैं, मतलब अच्छा लगता है जब कोई उभरता हुआ सितारा इस तरह के शॉट्स खेले और इतना लंबा पारी खेले। खाली एक चीज देखना चाहता था, अगर मैच नाबाद फिनिश होके मैच जिता के जाते तो उनकी आत्मविश्वास में तो वैसे कमी होगी नहीं, बट देखने वाले और जो सिलेक्टर्स है ना आजकल, जो ये सब भी देखते हैं कि मैच खत्म करके आ रहा है कि नहीं। जब अगर नहीं लेंगे ना तो वो लोग यही कारण देते हैं कि ये मैच खत्म करके नहीं आए। या क्योंकि वो जब जोफ्रा अच्छर की बॉल खेल रहे थे तो ऐसे स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ निकल गए जैसे पता नहीं वापस दुबई जा रहे थे, मतलब अपने होटल पे ही जा रहे थे, निकल नहीं गए। आज 145 पे भाई इतना हटके ना करो। चलो भाई, हम भी अब 145 की गेंद की तरह हम भी यहां से निकलते हैं और शारजा जाते हैं, क्योंकि शारजा में मैच हो रहा है दिल्ली और कोलकाता का। और टॉस कोलकाता ने जीता और जीतने के बाद तो बोलेंगे ही कि आप पहले बल्लेबाजी करिए, क्योंकि पिछले मैच में वहां रिकॉर्ड जो टूटा है चेज का, तो भाई इसके बाद वीरू कोई टीम पहले नहीं बल्लेबाजी करना चाहेगी शारजा में तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब पहले अगर रिकॉर्ड टूटे ना टूटे, पहले भी सब लोग यही सोचते हैं कि छोटा ग्राउंड है, फ्लैट विकेट है, आप आराम से चेज करिए, क्योंकि चेज करना आसान होता है वहां पर। अंटिल की आपकी बैटिंग ही बिल्कुल खराब चल रही है तो आप सोचते हैं यार प्रेशरलेस बैटिंग करते हैं तो पहले बैटिंग कर लेते हैं, वरना इस टूर्नामेंट में ऐसा कोई सोचता नहीं है। मतलब सबकी बैटिंग खराब चल रही होती है फिर भी वो टॉस जीत के फील्डिंग ही करते हैं कि हम चेज करेंगे, ये भरोसे में कि आज शायद कोई चल जाएगा। तो शारजा के ग्राउंड पे तो फिर बल्ले बल्ले आज, मतलब कहीं ये ना हो कि रसल चले तो मुझे एक इनिंग उनकी याद आती है, वो T10 टूर्नामेंट हुआ था शारजा में, उन्होंने 10 ओवरों में 184 रन बनाए थे उनके। कि अगर वो चले तो जो रिकॉर्ड है ना छक्कों का, ये रिकॉर्ड उनके नाम होने वाला उनके टीम के। वो चले तो फिर बल्ले बल्ले, that's right, पर चेज कर रहे हैं वो तो क्या बताऊं कि पहले ही सारे लोग कर ले काम, पर दिल्ली पहले कर रही है बल्लेबाजी। आइए दिल्ली पे जो बदलाव है वो देखें। उन्होंने 2 बदलाव किए, अश्विन हो गए हैं फिट तो वो आए हैं वापस टीम में अक्षर पटेल की जगह, और ईशान शर्मा को छोड़ के हर्षल पटेल को ले लिया गया है टीम में। मनोज, आपकी सोच इसके बारे में? देखिए, मैं सहमत नहीं हूँ इस बदलाव से। मैं देखना चाहता था अक्षर पटेल को। अगर तीन उनके परफॉर्मेंस देखेंगे 3 मैच में, तो पहले मैच में चेन्नई के विरुद्ध उन्होंने 4 ओवर में 14 रन देके 1 विकेट लिए, उसके बाद फिर दोबारा 4 ओवर करके 18 रन देके 1 विकेट लिए, और लास्ट मैच में उन्होंने सिर्फ 2 ओवर किए, 2 ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए। तो दुर्भाग्यवश हम क्रिकेट में हमेशा ये कहते हैं जो थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोचने वाले कैप्टन होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं ना, वो हमेशा ये सोचते हैं कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला सिलेक्शन करेंगे, तो ये मैच में वही किया।